Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Hello, my YouTube family. I welcome to all you, all of you, on my YouTube channel. I'm your well-wisher healer and your friend Shazi Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start this video. Or huh? And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. आई एम बैक इन योर सर्विस विद एन न्यूज़ एंड इंटरेस्टिंग वीडियो सो यू नो द वीडियो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो लेट्स स्टार्ट this video. So stay with me till the end of the video. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब से यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके शुक्रिया प्रकृति का सौंदर्य ही करता है जीने के लिए अग्रसर प्रकृति हमेशा से इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके मन को लुभाती रही है नेचर का जो ब्यूटी है वो जीने के लिए अग्रसर करता रहा है बढ़ाता रहा है इंक्रीज करता रहा है और ये स्टूडेंट्स जो होते हैं इनमें जो आरुचि होती है यानी मैं एफिशिएंट नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें भी नेचर एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट एजुकेशन देता है और मनो शिक्षा जो है एजुकेशंस जो है वो नेचर से ही संभव है इच्छाओं को बगल में रखकर कोई मधुर गीत गुनगुना लो इच्छाओं को बगल में रखकर कोई मधुर गीत गुनगुना लो ये नेचर की ख़ूबसूरती को अपनी आँखों में बसा लो नेचर जो होता है वो हमेशा से इंसान के दिल को इंसान के वक़ार को इंसान के सोच को जो इंक्रीज इंक्रीमेंट करता है वो तो होता ही है साथ ही जो नेचर का ख़ूबसूरत सा जो रोल होता है पेड़ों से नदी से समुद्र से इनसे जो हमको सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बढ़ते रहना है थकना नहीं है हारना नहीं है तो ये एक स्टूडेंट को लेकर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आज कल स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कहाँ पढ़ें हम हमको कहाँ ऐसे लोकेशन में कहाँ इस तरह के उसमें पढ़ना चाहिए जहाँ हमारी जहाँ हमारी और भी एफिशिएंट हो पढ़ाई जहाँ हमें और भी अच्छा लगे पढ़ते वक्त तो ये जो होता है ये जो बात कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है कि नेचर के साथ बैठने और सीखने में बहुत अच्छा लगता है खो रहे है लफ्ज़ इस कदर कोहरा घना है खो रहे हैं लफ्ज़ इस कदर कोहरा घना है नेचर नीच, से जुड़े रहना ज़िंदगी का ख़ूबसूरत गहना है नेचर से जुड़े रहना खूबसूरती का गहना है इन रास्तों से गुजरने का मज़ा ही कुछ और है इन रास्तों से गुजरने का मज़ा ही कुछ और है क्योंकि यहाँ लोग नहीं प्रकृति बोलती है नेचर बोलता है मृदुल स्वभाव मन चंचल सा हरियाली जग में छाए प्रकृति प्रेम है दिखलाती जब भाव लीन सब हो जाए जिंदगी और नहीं, संसार का मूल आधार वर्ड का मूल आधार जो है वो नेचर अपने आप में नित्य शांत और चिर सिंदुर सुंदर तत्व है सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की रचना जिन तत्वों से हुई है वे सभी प्रकृति के अंध हैं ये जो है इसी प्राकृतिक का जो सौंदर्य है वो महान शिल्पी का एक शिल्प देखते ही हाज में इतना ज़्यादा इतना जादा इतना ज़्यादा इंटेलिमेंट इतना ज़्यादा पुरुषिश इतना ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है कि ये ये एक बोलने में या लिखने में मतलब बिल्कुल इसको जाए जितना भी बोला जाए जितना भी लिखा जाए ये एक वही एक अलग ही वो हो जाता है कि हम इसको किस तरह से अनुभव करें तो वास्तव में ये एक हृदय से अनुभव करने वाली चीज़ है सारा विश्व प्रकृति में और प्राकृतिक ही देन है दीप महाद्वीप नदी नाले पर्वत समुद्र रेगिस्तान और वन आदि प्रकृति के ही अंग हैं सागर में तरह तरह के पेड़ सीपियाँ उनसे निकलने वाली मोती नानविद मछलियाँ तथा अन्य जल जीव मन को मुग्ध कर देते हैं खुश कर देते हैं और जंगलों में पेड़ पौधे बेले वनस्पतियाँ पत्ते फल फूल और हरियाली हमारे हार्ट को हमारे दिल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और भी ज़्यादा अच्छा अनुभव कराती है हिम से आच्छादित पर्वत की चोटियों से जब सूर्य उदयकालीन धूप या सूर अस्तकालीन लालिमा पड़ती है तो चित्त में प्रसन्नता से गदगद हो जाता है बहुत अच्छा लगता है नीले सोने आसमान पर सहसा बादलों का घिर घिर आना रिमझिम रिमझिम बरसना और सारे इन्वामेंट में बिल्कुल सारे इन्वामेंट को पानी पानी कर देना ये कितना मनोहर डिश लगता है टप टप कण बरसत और ये बादलों का बरसना और एक संस्कृत में एक श्लोक भी कहा गया है कि रति अतिशय उम्रत जनमन और जब मूसलाधार वर्षा होने लगती है तो मेघ ज़ोर ज़ोर से हर जहाँ तक कि इंसान तो इंसान जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं गरज गरज के बरसे घनघोर राज अमर अम्बर में बिजनूर भर में बादल रूपी जो पर्दा होता है तो वो जो है बादल जब बरसने लगते हैं तो वहाँ से जो इंद्रधनुष की किरणें हमारे आ, हमको जो शो होती हैं वो अद्भुत बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है नदी नालों में जो बाढ़ आ जाती है वो किसी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का कारण भी होता है लेकिन यही चीज़ अगर नदी के लिमिटेशन में रहे तो ये चीज़ भी नदी हमको देखने को बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है जहाँ पेड़ नदी सब चीज़ें इतनी सुंदर लगती हैं कि बस यहीं रह जाओ और इनके जो सोत्र होते हैं ना झरने झरझर इनकी जो आवाज़ें होती है झरने की और नदियों की आवाज़ें कल कल वो एक कविताओं कवियों ने भी इसको अलग ही तरह से बना दिया है अच्छा प्रकृति में जो है बहुत ज़्यादा मौसम है बहुत ज़्यादा सीज़न है बहुत ज़्यादा सीज़न के रूप में बताया गया है लेकिन आ, जो वर्ड की वस्तुएं हैं जो चीज़ें हैं वो अंदर और सुंदर दृश्यों को उपस्थित करता है और जिसमें बहुत सारे कवियों ने अपनी प्रेरणा को बताया भी है इसमें जैसे बरस बसंत, बसंत के रंग जो होते हैं वो बिरंगे हर हरे बिरंगे पुष्प फूल जो होते हैं वो आ, जो होते हैं ग्रो करते हैं और कोयल की आवाज़ें इन्हीं सब नेचर में सरसों का पीत पुष्पों के रूप में मधुर हास स्पष्टीकरण और हास बनकर हमें मोहित करता है और ग्रीष्म के सूर्य की तपती किरणें और भयंकर लू जैसी धरती की तपन कहने को तो हमें कष्ट देती हैं लेकिन अन्न फल आदि को पकाने का काम करके हमारा तो इतना भला कर देती हैं कि उसे उसे भुलाया नहीं जा सकता फसल से लदे देख आच्छित वन होते हैं और शरद की चामनी शरद पूर्णिमा की चांदनी सबसे अधिक मनोहर मानी जाती है नदियाँ निर्मल जल के प्रवाह से भर जाती ये सब डिश बहुत ही सुंदर लगता है जब से कायनात को अपना प्रेम समर्पित किया है तब से मेरे प्रति ये बड़ा वफादार हो गया है देखो जनाब प्रकृति का ये सुंदर सा नज़ारा इन्हीं में सपने और इन्हीं में कप, कपनों का नज़ारा झुका लू कदम वादियों में मशक्क़त कहाँ आंधियों में हवा भी रुख मोड़ ले अक्सर इस जहाँ में कश्तियों में आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो ऑफ माइंड वेरी मच सो प्लीज लाइक गुड बाय एंड डोंट फॉर